हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे झटपट बन जाने वाला एक ऐसा नाश्ता जिसे आप अचार, चटनी, दही के साथ खा सकते हैं, पर मुझे ये चाय के साथ खाना बहुत पसंद है। आप भी इसे जरूर बनाएं और चाय के साथ खा के देखें, ये बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप संडे के ब्रेकफास्ट पे बनाइए, आपको लंच बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये फुल मील है। बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। समर की छुट्टियों में बच्चों को इवनिंग टाइम में जब भूख लगती है तब भी आप इसे बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं हम चावल के आटे से एक टेस्टी नाश्ता। एक बड़े बर्तन में एक कप चावल का आटा ले लीजिए। इसमें ही डाल दीजिए भीगी हुई चना दाल। एक चम्मच दाल को मैंने 2 से 3 घंटे पानी में भिगा के रखा था। और 2 चम्मच ले लीजिए भुनी हुई मूंगफली। मुरी हुई मूंगफली को थोड़ा सा मैंने क्रश कर दिया है, इसी तरह से डालिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ ही इसमें डाल देना है तिल, हरी मिर्च एकदम छोटी छोटी कटी हुई, कड़ी पत्ता, इसे भी हम हाथों से तोड़ के डाल देंगे इस तरह से। साथ ही डाल देंगे चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया। इसमें ही डाल दीजिए धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच बटर, मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर 1 चम्मच तेल भी डाल सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हल्का सा गर्म पानी करना है, एकदम गुनगुना पानी करना है, और इस गुनगुने पानी से इस आटे को तैयार कर लेना है। आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट ही गूंथना है, एकदम हार्ड नहीं रखना है क्योंकि हम इसे सिर्फ 1 से 2 चम्मच तेल में ही बना रहे हैं और बिना तले बना रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसका एक सॉफ्ट आटा तैयार कर लीजिए। ध्यान रहे पानी को बहुत गर्म नहीं करना है, आटा गूंथने के लिए इतना ही गर्म होना चाहिए आप उसमें आसानी से हाथ लगा सकें, नहीं तो हाथ जल सकता है। आटा इतना सॉफ्ट गूंथना है। इतना आटा गूंथने के लिए मुझे 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। अब एक कढ़ाई ले लीजिए, इसे ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, हार्डली 1/2 चम्मच ही लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। मैं हार्ड एनोडाइज यूज़ कर रही हूँ, आप नॉन स्टिक या फिर कोई भी कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं, पर दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लगेगा। अब इस आटे से लोई तैयार कर लीजिए इस तरह से हाथों से। अब कढ़ाई के ऊपर डायरेक्ट इसे फैला देना है। हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाइए और इसे फैला लीजिए। आप इस नाश्ते को तवे पर भी बना सकते हैं सेम तरीके से, पर ट्रेडिशनली ये कढ़ाई में ही बनता है इसलिए मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, या फिर पैन में बना लीजिए। देखिए इस तरह से पानी लगाते हुए ही फैलाना है। फैला लेने के बाद इसे बीच में से होल कर देना है 4-5, वहाँ पे थोड़ा सा तेल डालना है। अब इस होल में 1-1 बूंद तेल डाल दीजिए, ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तेल डाल लेने के बाद कढ़ाई को लो फ्लेम पर ढक के चढ़ा दीजिए। इसे कुक करते समय ध्यान रखें फ्लेम को हाई नहीं करना है और ढक के ही कुक करना है। इसे एक साइड से ही कुक करना है, दूसरे साइड से ये अपने आप स्टीम कुक हो जाएगा, मींस उसकी भाप में पक जाएगा। देखिए कितने कम तेल में ये नाश्ता तैयार हो रहा है। आपको और आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आने वाला है। आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इतनी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के लिए लाइक तो बनता है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिए इसी तरह की और भी रेसिपीज देखने के लिए। सभी तरफ से एक जैसा कुक करने के लिए कढ़ाई को या फिर इसे थोड़ा थोड़ा घुमा लेना है, इसके कारण ये अच्छे से कुक हो जाएगा। लीजिए तैयार है चावल के आटे का टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता। इस नाश्ते का नाम है सर्वपिंडी। पीछे के साइड से ये एकदम क्रिस्पी है और सामने की साइड से थोड़ा सा सॉफ्ट है। सामने की साइड से ये स्टीम कुक हुआ है। अगर आप तवे पे बना रहे हैं तो दोनों साइड से इसे क्रिस्पी करके आप बना सकते हैं। इसी तरह से दूसरा बना लेना है, पर दूसरा बनाने के पहले थोड़ा ध्यान रखना है। कढ़ाई गर्म है, थोड़ा सा ऑयल लगाइए और हाथों में पानी लगा के इस तरह से लोई तैयार कर लीजिए, पर ध्यान से ही बनाएं इसे। तवे पे बनाएंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, जलने का डर थोड़ा कम रहेगा। देखिए हाथों में पानी लगाने के कारण ये आसानी से घूम जा रहा है और फैल जा रहा है। सेम तरीका वही है, पर ध्यान रखना है। पर इस समय आप इसमें उंगलियों से होल नहीं करेंगे, होल करने के लिए बेलन या फिर चम्मच का यूज़ करेंगे।
होल करने के पहले बेलन या फिर चम्मच को पानी में डिप करते जाइए, आसानी से होल हो जाएगा। चार पांच जगह होल कर दीजिए, उसमें ऑयल डाल दीजिए, ढक दीजिए और सेम तरीके से कुक कर लीजिए। ये फ्लेम पे डिपेंड करता है कि ये कितने देर में कुक होगा। ऊपर से ड्राई दिखने लगे तो समझ जाइए कुक हो गया है। मेरी गैस पे इसे 3 से 4 मिनट लगते हैं, हार्डली इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप इसे साइज़ में और बड़ा भी बना सकते हैं। वाओ, मेरे मुँह में तो अभी भी पानी आ रहा है। इतनी टेस्टी रेसिपी के लिए लाइक तो बनता है। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी लिंक को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।